जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां झुग्गियों में अगलगी की वारदात में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब झुग्गियों में रहने वाले लोग सो रहे थे, तभी ये आग भड़की और जब तक सो रहे लोग बचाव के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते, तब तक आग की लपटों ने कई घरों को स्वाहा कर डाला। सो रहे 5 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। दर्दनाक मौत हुई 5 लोगों की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। नगर थाने के रामदयालु की यह घटना है, जहां झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से देर रात अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर थाना क्षेत्र के रामदयालु की यह घटना है। अगलगी की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 बच्चियां बताई जा रही हैं एक ही परिवार के इस अगलगी की घटना का शिकार हो गई। कुल 5 लोगों की अब तक मौत की बात सामने आ रही है। कई लोग अगलगी की इस घटना से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और झुग्गियों में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। झुग्गियों में लगी आग ने एक ही परिवार की 4 बच्चियों को जला डाला। जलने से मौत हो गई। कुल 5 लोगों की मौत हुई अगलगी के इस वारदात में। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अगलगी की घटना में न सिर्फ 5 जिंदगियां स्वाहा हो गई, बल्कि भारी मात्रा में संपत्ति का नुकसान हुआ है। गरीबों का अनाज, कपड़ा और दस्तावेज, जरूरी सामान, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कैसे आग लगा? ओ भैया, हम दूरा सुते गए कलिए, सुत लिए जागले तक तक गर्दन आ गेले तक लिए गर्दन कहते रहते उठ लिए। बच्ची बाहर नहीं निकल पाए? बाबरे, बच्चा के लेके निकलिए, बेटी के निकले तरह पीछे से, देन बाबू के लेकर निकली तो बच गए, लगे पीछे से चल लबे तरह से जर गए लग साहब। चारों लड़के जल गए आपके? एको ना बचले। खाना खा के हम लोग दुकान पर जा रहे थे सोने के लिए, तो देखे कि आग लगा हुआ है। हमने यहाँ पर ही हल्ला करते हुए सब आदमी के जगाए कि आइए, आग लगा हुआ है लखिंदर के घर में। हम लोग पहुँचे, जब तक पूरा धनक गया था, एकदम पूरा आग लग गया था। कितने बच्चों की मौत हो गई? 4 बच्चे के। सहयोगी नवीन ओझा ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। झोपड़पट्टी में लगी इस अगलगी की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। नवीन, पूरी जानकारी अपडेट के साथ चाहेंगे। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में ये घटना घटी है। चूंकि देर रात जब सब खाना खा करके घर में सोए हुए थे, उसके बावजूद एक बैग वहां घर में आग लग गया, और आग ऐसा लगा कि सबसे पहले उसकी आग की शुरुआत दरवाजा से हुई। क्योंकि दरवाजा में लगने के बाद पूरी तरह से चारों बगल जो आग लपेटे में ले लिया था, जो बच्चे थे वो अब चूंकि दरवाजा था, दरवाजा में निकलना बड़ा मुश्किल था, तो सभी लोग जो बच्चे थे वो छोटे छोटे बच्चे उसी में झुलस के उसकी मौत हो गई है। क्योंकि एक बच्चा और है जिसका मेडिकल में ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई है, और 5 बच्चे की मौत हुई है। और प्रशासन इस पर लगातार, क्योंकि सीओ वहां कैंप किए हुए हैं, और सीओ की यह कहना है कि मुआवजा की हम लोग भी बात कर रहे हैं, मुआवजा हम लोगों को मिलेगी। क्योंकि अब तक जो मौतें हुई है, 5 मौतें मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में झोपड़पट्टी में आग लगने से मौत हुई थी। क्या कार्रवाई हो रही है पीड़ित परिवार की मदद के लिए? प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? पूरी तरह से वहाँ लगातार सीओ हैं, जो चूंकि मुसहरी प्रखंड के जो सीओ हैं वो लगातार वहाँ मौजूद हैं, लगातार वो मुआवजे की बात कर रहे हैं। जो भी सहायता राशि होगा उनको, उस परिवार को मदद किया जाएगा, और पूरी तरह से वहाँ सारे प्रशासन के लोग लगे हैं, और जहाँ बेहतर से बेहतर उसका इलाज हो, इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ लोग और हैं जो भर्ती हैं, जिनका 1 वार्ड में इलाज भी चल रहा है, और पूरी तरह से बेहतर इलाज के लिए प्रशासन उनके लगी हुई है। घायलों की क्या स्थिति बता रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि 4 बच्चियों की घटना स्थल पर मौत हुई थी, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है, और लोगों की क्या स्थिति है? जी, और लोगों, चूंकि एक छोटा बच्चा है उसकी भी स्थिति, चूंकि दोनों हाथ उसका जला हुआ है, उसकी थोड़ी सी पेट भी उसकी जली हुई है। जो एक बच्चा अभी जो भर्ती है उसका इलाज चल रहा है बर्न वार्ड में, चूंकि मुजफ्फरपुर के SKMCH बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है, तो अभी इलाज चल रहा है। प्रशासन वहाँ कैंप कर रही है, बेहतर तरीके से इलाज की वहाँ की प्रशासन जो सीओ है वहाँ लगातार लगे हुए हैं, और बेहतर इलाज के लिए वहाँ के जो SKMCH के अधीक्षक है लगे हुए हैं, और बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है।
घटना कैसे हुई इसके बारे में कोई जानकारी? तो अभी तक घटना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं अभी आ पाई है, क्योंकि प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग एक बैग जब उठे तब तक आग की लपेट ले चुका था पूरी तरह से घर को। तो अभी तक किसी भी प्रकार की न घर वाले से किसी जानकारी मिल रही है, न ही उसके जो प्रशासन की तरफ से आखिर आग कैसे लगी और आग आपके कारण क्या था। लेकिन जो भी बातें स्पष्ट आ रही है, चूंकि घर गांव होता है, चूंकि रामदयालु स्टेशन से थोड़ी बगल में है तो देहाती क्षेत्र थोड़ा सा माना जाता है, तो लोग हो सकता है कि कहीं खाना बना रहा होगा, चिंगारी छूट गई हो, उससे भी आग लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हालांकि अभी तक जो बातें आ रही है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर आग का कारण क्या है, और कारण के बाद ही हालांकि प्रशासन जांच में लगी है। तो नजर बना रखे, फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए नवीन।